सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, पोकेमॉन वर्ल्ड में काफ़ी सारे अलग अलग तरह के पोकेमॉन्स होते हैं और एक पोकेमॉन की कैटेगरी होती है बेबी पोकेमॉन्स। तो अगर तुमको नहीं पता तो बेबी पोकेमॉन्स वो पोकेमॉन्स होते हैं जो कि एक एवोल्यूशन के फर्स्ट एवोल्यूशन होते हैं, मतलब जैसे तीन स्टेज है तो उसमें से फर्स्ट स्टेज ही होगा बेबी पोकेमॉन, कोई सेकेंड स्टेज वाला बेबी पोकेमॉन नहीं हो सकता। और ये जो बेबी पोकेमॉन्स होते हैं ये ब्रीड नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में तुम लोग को सारे के सारे बेबी पोकेमॉन्स के बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, एंड तक जरूर देखना। अब नेक्स्ट देरी के आज के हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, पीचू। तो पीचू जनरेशन 2 यानी कि जोटो का एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है और ये पिकाचू का फर्स्ट एवोल्यूशन है। पीचू यार पोकेमॉन वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट क्यूटेस्ट पोकेमॉन है, बहुत क्यूट है यार ये पोकेमॉन। पीचू की पोकेडेक्स एंट्री में लिखा हुआ है कि पीचू पिकाचू इन सबके मिलने का एक स्टाइल होता है, मतलब जैसे कोई पीचू दूसरे पीचू से मिलता है तो ये लोग एक दूसरे से इलेक्ट्रिसिटी शेयर करते हैं और ऐसे स्पार्क से बनाते हैं, एक एपिसोड के अंदर भी ऐसा दिखाया गया था। और हाँ, अगर तुमको अपने पीचू को बनाना है पिकाचू, उसके लिए तुमको लगेगी फ्रेंडशिप एवोल्यूशन यानी कि अपने पीचू के साथ फ्रेंडशिप बढ़ाओ, तभी वो इवॉल्व होगा पिकाचू में। नंबर टू, क्लेफा। तो क्लेफा जो है ये क्लेफेबल पोकेमॉन की फर्स्ट एवोल्यूशन है और इस पोकेमॉन की टाइपिंग है नॉर्मल और फेरी टाइप। क्लेफा की पोकेडेक्स एंट्री में लिखा हुआ है कि क्लेफा का एक डांस होता है जो कि अगर खुद कोई अपनी आंखों से देख लेता है तो यार ये काफ़ी बड़ा गुड लक होता है, यानी कि उस इंसान के साथ काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। फिर क्लेफा को भी अगर तुमको क्लेफेरी में इवॉल्व करना है तो उसके लिए हाई फ्रेंडशिप ही लगती है। नंबर थ्री, इग्लीबफ। तो ये विग्लीटफ पोकेमॉन जो है उसकी फर्स्ट एवोल्यूशन है और इसकी भी टाइपिंग है नॉर्मल और फेरी टाइप। इग्लीबफ पोकेमॉन बिल्कुल एक बलून की तरह है और हाँ, अगर गलती से भी कभी इग्लीबफ पोकेमॉन जो है बाउंस करना शुरू कर देता है तो यार ये पूरी जिंदगी भर कभी भी नहीं रुकता। और यार ऑलमोस्ट सारे बेबी पोकेमॉन्स की तरह अगर तुमको इग्लीबफ को इवॉल्व करना है जिग्लीबफ में तो तुमको लगेगी हाई फ्रेंडशिप, यानी कि इसके साथ फ्रेंडशिप बढ़ानी पड़ेगी। नंबर फोर, टोगपी। तो टोगपी एक नॉर्मल और फेरी टाइप के पोकेमॉन है और इससे भी हमको जेन 2 यानी कि जोटो में इंट्रोड्यूस करवाया था। हालांकि सबको पता ही है यार टोगपी जो है जेन 1 यानी कि कैंटो में ही रिवील हो गई थी, पूरे कैंटो में हमने उसको मिस्टी के पास देखा था। टोगपी पोकेमॉन जो है टोगेकिस का फर्स्ट एवोल्यूशन है और टोगपी की पोकेडेक्स एंट्री में बताया गया है कि ये काफ़ी लक्की पोकेमॉन है, यानी कि जिस भी ट्रेनर के पास टोगपी रहती है वो ट्रेनर ज़्यादातर काफ़ी खुश रहता है। टोगपी को टोगेटेक में इवॉल्व करने के लिए लगती है हाई फ्रेंडशिप। तुमको याद ही होगा मिस्टी और टोगपी की फ्रेंडशिप भी काफ़ी अच्छी थी, इसीलिए उसकी टोगपी इवॉल्व हुई थी। नंबर फाइव, टायरोग। तो टायरोग एक ब्रांच एवोल्यूशन पोकेमॉन है, यानी कि ये तीन पोकेमॉन्स का फर्स्ट एवोल्यूशन है, हिटमॉन चैन, हिटमॉन ली और हिटमॉन टॉप, ये इन तीनों में इवॉल्व हो सकता है। तो टायरोग जनरेशन 2 का एक फाइटिंग टाइप बेबी पोकेमॉन है और सारे जनरेशन 2 के इस वजह से है क्योंकि जनरेशन 2 में ये बेबी पोकेमॉन्स का कॉन्सेप्ट आया था। तो चलो, अब इतने बेबी पोकेमॉन्स के बाद एक बेबी पोकेमॉन आया है जिसको फ्रेंडशिप नहीं लगती इवॉल्व करने के लिए। इसको तुम लोग को इवॉल्व करना है तो ये लेवल 20 पे इवॉल्व होता है। लेवल 20 पे अगर इसका अटैक डिफेंस से ज़्यादा होगा तो ये हिटमॉन ली बनेगा, या डिफेंस ज़्यादा होगा तो हिटमॉन चैन, या फिर अगर दोनों बराबर होंगे तो हिटमॉन टॉप। नंबर सिक्स, स्मूचम पोकेमॉन। तो स्मूचम एक आइस और साइकिक टाइप की बेबी पोकेमॉन है और इससे भी हमको जेन 2 जोटो में इंट्रोड्यूस करवाया था। स्मूचम जो है ये जिंक्स का प्री एवोल्यूशन है, फर्स्ट एवोल्यूशन है, और बता दो स्मूचम पोकेमॉन जो है ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल ही पाई जाती हैं। स्मूचम की पोकेडेक्स में बताया है कि स्मूचम को गंदगी बिल्कुल भी नहीं पसंद, अगर ये पोकेमॉन थोड़ी भी गंदी हो जाती है तो तुरंत नहाने लग जाती है। स्मूचम को भी इवॉल्व करने के लिए तुमको फ्रेंडशिप नहीं लगती, स्मूचम लेवल 30 पे खुद इवॉल्व हो जाती है जिंक्स में। नंबर सेवन, एलिकेट। तो एलिकेट पोकेमॉन एक प्योर इलेक्ट्रिक टाइप का बेबी पोकेमॉन है और ये इलेक्टिवायर का फर्स्ट फॉर्म है। एलिकेट एक काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग बेबी पोकेमॉन है और ये काफ़ी आसानी से ही मिल जाता है। इसको अगर तुमको इलेक्टाबस में इवॉल्व करना है तो ये खुद ही लेवल 30 पे इवॉल्व हो जाता है। नंबर एट, मैगबी। तो मैगबी एक प्योर फायर टाइप का बेबी पोकेमॉन है और ये फर्स्ट फॉर्म है मैगमॉर्टर का। मैगबी पोकेमॉन के मुंह से जो आग निकलती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, लिटरली बहुत ज़्यादा गर्म। उसका टेम्परेचर होता है 1100 डिग्री फ़ारेनहाइट। मैगबी पोकेमॉन वैसे ज़्यादा सही नहीं है लेकिन एक बेबी पोकेमॉन की तरह देखे, एक बेबी पोकेमॉन के लिए काफ़ी सही है और स्ट्रॉन्ग भी है। इसको अगर तुमको इवॉल्व करना है मैगमार में तो ये लेवल 30 पे हो जाएगा। अब चलते हैं जेन 3 यानी कि होएन के बेबी पोकेमॉन्स पर। नंबर 9, अज्यूरेल। तो अज्यूरेल एक नॉर्मल और फेरी टाइप का बेबी पोकेमॉन है और ये अज्यूमेरल पोकेमॉन जो है उसका फर्स्ट एवोल्यूशन है, बेस फॉर्म है उसका। अज्यूरेल पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा बाउंस करता है और ये बाउंस करके अपनी टेल की मदद से 10 मीटर दूर तक जा सकता है। अज्यूरेल को भी तुमने मिस्टी के पास देखा होगा लेकिन ये बेबी पोकेमॉन मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। बाय द वे, इसको इवॉल्व करने के लिए तुमको इसको लेवल 18 पे ले जाना होता है और काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडशिप भी रखनी पड़ती है इसके साथ। नंबर 10, वाई नॉट पोकेमॉन। तो ये वॉफिट पोकेमॉन का फर्स्ट एवोल्यूशन है और ये एक साइकिक टाइप का पोकेमॉन है।
वाई नॉट पोकेमॉन जो है ये ज़्यादातर केव्स में रहना पसंद करते हैं, यानी कि केव्स में ज़्यादा रहते हैं और ये हमेशा एक अपने पूरे ग्रुप के साथ रहते हैं। और हाँ, वाई नॉट की पोकेडेक्स एंट्री में ये भी लिखा हुआ है कि जब वाई नॉट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तब ये अपनी पूंछ को बार बार ज़मीन पर मारता है जिससे इसका गुस्सा शांत हो जाता है। और वाई नॉट पोकेमॉन जो है ये लेवल 15 पर खुद से इवॉल्व हो जाता है वॉबफेट पोकेमॉन में। तो ये दो थे होएन के बेबी पोकेमॉन्स। अब आते हैं सिनो के बेबी पोकेमॉन्स पर। नंबर 12 ब्यूडू पोकेमॉन। इसकी प्रोनाउंसिएशन साइड से गलत हो सकती है। तो यार ब्यूडू जो है ये रोजरेड का फर्स्ट एवोल्यूशन है और ये ग्रास और पॉइजन टाइप का पोकेमॉन है। इसके सर पे ये जो बर्ड्स है ये इनको विंटर के टाइम पे यानी कि ठंडियों के टाइम पे बंद रखता है, चुपका के रखता है, और जब स्प्रिंग आ जाती है तब ये इनको खोल देता है। इसको अगर तुमको रोजेलिया में इवॉल्व करना है तो उसके लिए लगेगी हाई फ्रेंडशिप। नंबर 13 चिंगलिंग। तो चिंगलिंग एक साइकिक टाइप का पोकेमॉन है और ये चाइमेको का फर्स्ट एवोल्यूशन है। इसको देख के तुम्हें समझ में आ गया होगा ये एक बेल पोकेमॉन है। इसकी पोकेडेक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि इसकी जो बेल की आवाज़ होती है वो इतनी खतरनाक होती है कि वो किसी को भी सुननी नहीं चाहिए। मतलब यार इंसानों के लिए आवाज़ बहुत ज़्यादा हाई रहती है, बहुत खतरनाक रहती है। अगर तुमको चिंगलिंग को चाइमेको में इवॉल्व करना है तो तुमको रात के टाइम पर इसकी फ्रेंडशिप बढ़ानी पड़ेगी। नंबर 40 बॉन्सली पोकेमॉन। तो बॉन्सली भी काफ़ी क्यूट बेबी पोकेमॉन है और ये रॉक टाइप का है। बॉन्सलाई सूडोवुडो का फर्स्ट एवोल्यूशन है और ये एक बॉन्सलाई ट्री पे बेस्ड है। बॉन्सलाई के पोकेडेक्स में काफ़ी अजीब सी बात लिखी है इसके बारे में कि जब ये पोकेमॉन रोता है तो इसकी आंखों से पसीना और आंसू दोनों बाहर आते हैं। पता नहीं भाई क्या लिख रखा है। अगर तुमको बॉन्सलाई को इवॉल्व करना है सूडोवुडो में तो तुमको इसको एक मूव सिखाना पड़ेगा जो कि है मिमिक। नंबर 15 माइम जूनियर। तो ये मिस्टर माइम पोकेमॉन का फर्स्ट स्टेज है। माइम जूनियर एक फेरी और साइकिक टाइप का बेबी पोकेमॉन है और मिस्टर माइम के प्री एवोल्यूशन के लिए काफ़ी सही पोकेमॉन है ये। इसको अगर तुमको इवॉल्व करना है मिस्टर माइम में तो इसको भी तुमको मिमिक मूव सिखाना पड़ेगा। जब ये मिमिक सीख जाएगा तब ये ऑटोमेटिकली इवॉल्व हो जाएगा मिस्टर माइम में। नंबर 16 हैप्पीनी। तो हैप्पीनी एक नॉर्मल टाइप की बेबी पोकेमॉन है और ये ब्लिसी का फर्स्ट स्टेज है। तो जैसे तुमने देखा ही होगा चांसी और ब्लिसी के पॉकेट में हमेशा एक एग रखा रहता है जो कि एक असली एग होता है। तो अपने एवोल्यूशन की तरह दिखने के लिए हैप्पीनी जो है ये भी अपने पास एक एग रखती है जो कि बिल्कुल एक एग नहीं है, ये एक स्टोन है जो कि एग जैसा दिखता है। और हैप्पीनी ये स्टोन उसी को देती है जिसको वो बहुत ज़्यादा पसंद करती है। अगर तुम लोग हैप्पीनी को ओवल स्टोन पकड़ा के सुबह के टाइम पे इसको ट्रेन करोगे तो ये इवॉल्व हो जाएगी चांसी में। नंबर 17 मंचलैक्स। तो मंचलैक्स एक नॉर्मल टाइप का बेबी पोकेमॉन है और ये स्नोरलैक्स का फर्स्ट एवोल्यूशन है। मंचलैक्स को खाना बहुत ज़्यादा पसंद है और इसके पोकेडेक्स एंट्री में ऐसा लिखा हुआ है कि ये पोकेमॉन कुछ भी खा सकता है, मतलब कुछ भी लिटरली सड़े हुए खाने को भी खा सकता है ये। मंचलैक्स को स्नोरलैक्स में इवॉल्व करने के लिए लगती है हाई फ्रेंडशिप, यानी कि इससे फ्रेंडशिप बढ़ानी पड़ेगी। नंबर 18 रियोलू। इसका काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। तो रियोलू एक फाइटिंग टाइप का बेबी पोकेमॉन है और यार ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और ये तो ऐश के पास भी था। रियोलू भी यार एक काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग बेबी पोकेमॉन है और अगर तुमको इसको इवॉल्व करना है लुकारियो में तो तुम लोग को दिन के टाइम पे इसकी फ्रेंडशिप बढ़ानी पड़ेगी। नंबर 19 मेंटाइक पोकेमॉन। तो मेंटाइक एक वाटर और फ्लाइंग टाइप का बेबी पोकेमॉन है और ये मेंटाइन का फर्स्ट एवोल्यूशन है। ये पोकेमॉन भी काफ़ी क्यूट है, बेबी पोकेमॉन्स के लिए काफ़ी सही है ये। मेंटाइक पोकेमॉन नेचर के काफ़ी अच्छे होते हैं इसलिए इनको टेम करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। ये पोकेमॉन पानी में हमेशा रेमोरेड के साथ रहते हैं इसीलिए अगर तुमको इसको इवॉल्व करना है तो तुमको अपनी पार्टी में एक रेमोरेड रखना पड़ेगा। तो ये थे सिनो वाले बेबी पोकेमॉन्स और इसके बाद यूनोवा और कैलोस में इंट्रोड्यूस नहीं करवाए गए। फिर आते हैं सीधा गलार पर। नंबर 20 टॉक्सल। तो टॉक्सल एक पॉइजन और इलेक्ट्रिक टाइप का बेबी पोकेमॉन है। टॉक्सल के पास दो अलग तरह के एवोल्यूशन है, मतलब दोनों हैं टॉक्सिसिटी लेकिन टॉक्सिसिटी के दो अलग फॉर्म है, एम्ड फॉर्म और एक है लो की फॉर्म। तुम्हारा ये जो टॉक्सल है किस में इवॉल्व होगा ये इसका नेचर डिसाइड करेगा, इसके नेचर के हिसाब से इन दोनों में से किसी एक में इवॉल्व होगा। तो हाँ, यही थे सारे के सारे बेबी पोकेमॉन्स। लेकिन अब एक सेकेंड, वीडियो ख़त्म करने से पहले, मैंने देखा है तुम लोग को गलतियाँ ढूंढने में काफ़ी मज़ा आता है तो आज की वीडियो में मैंने जान के एक गलती करी है जो कि तुमको बताना है कि मैंने क्या गलती करी है आज की वीडियो में। तो आज कोई भी पोके क्विज वगैरह नहीं है, यही है तुम्हारी आज की क्विज। तुमको बताना है कि मैंने पूरी वीडियो में क्या गलती करी है, तो कमेंट में जाके ज़रूर बताना अगर तुमको पता चला है तो। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पढ़ने को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही अमेजिंग पोकेमॉन कंटेंट के लिए। सेकंड चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसी किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।